हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पाइसी फूडी में। आज हम ऐसा फरसान बनाएंगे पात्रा यानी कि पत्तरवेलिया, जो सबको पसंद आता है। तो चलो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम ये अलवी के पत्ते की नसे है वो निकाल देंगे, ताकि नसे मुंह में नहीं आएगी। और उसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। मैंने यहाँ पे 10 से 12 पत्ते लिए हैं, उससे आपके 3 से 4 रोल बन जाएंगे। गुड़ और इमली को 3-4 घंटे भिगो के रखेंगे। अब हम उसे बॉईल कर लेंगे और ग्राइंड करके छलनी में छान लेंगे। अब हम पात्रा का मसाला बनाएंगे। यहाँ मैंने 2 कप चने का आटा लेकर बनाया है, उससे आपके 3-4 रोल बन जाएंगे। लेकिन मुझे एक्स्ट्रा मसाला पसंद है, तो मेरे 2 ही रोल बने। ये सारे मसाले का स्वाद बहुत ही बेहतरीन और स्वादिष्ट लगता है, तो घर पर जरूर बनाना और कमेंट में मुझे बताना कि कैसा बना। इसे हाथों से मिला लेंगे, ताकि कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे। और ये बैटर में एक साथ पानी मत डालना। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। आसानी से पत्तों पे फैलाया जाए उतना बैटर रखेंगे। दूसरा पान उल्टा अपोजिट साइड रखेंगे और सेम तरीके से मसाला लगाएंगे। 4 पत्तों का रोल हमने बनाया है, इसी नाप से बनाना। बहुत ही बेहतरीन और स्वादिष्ट मसाला बनेगा। तो ये मसाले के नाप से 2 रोल बने, तो है ना एकदम ही सिंपल और आसान तरीका। रोल भी बाहर वाले जैसा ही बनता है। कच्चा काट के आप ऐसा भी शेप दे सकते हैं, बिल्कुल ही कटोरी जैसा। इसको बाद में हम बॉईल कर लेंगे। अब हम सारे रोल को पीसीस में काट लेंगे। अब हम तड़का लगाएंगे। मुझे ज़्यादा तड़का वाला बहुत ही पसंद है। वो लास्ट में पात्रा का भूखा बचता है, तो वो तड़के के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। तो है ना हमारा टेस्टी पात्रा का नाश्ता रेडी है। जरूर घर पर बनाना और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।